डुमरी एसएसकेवी के मैदान में डुमरी युवा स्पोर्टिंग स्टार क्लब द्वारा 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू व जामतारा मुखिया प्रतिनिधि खेमलाल महतो, जीप सदस्य धनंजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से केक व फीता काटकर विधिवत क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दिन 16 टीमों ने एंट्री किया। प्रथम मैच कल्हावार और राजगंज के बीच खेला गया, जिसमें कल्हावार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया, जिसके बाद राजगंज की टीम के द्वारा 5 ओवर में 92 रन का लक्ष्य दिया गया। वहीं कल्हावार की टीम ने 5 ओवर पर 54 रन बनाए। वहीं 36 रनों से राजगंज की टीम ने जीत हासिल की। वहीं क्रिकेट प्रेमियों नया क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लेते नजर आए। सोनी क्रिकेट टूर्नामेंट यूट्यूब में MMM लाइव द्वारा यूट्यूब में लाइव भी चलाया जा रहा है, जिससे युवकों में काफी उत्साह देखने को मिला। क्लब के अध्यक्ष सैफ खान ने बताया कि यूट्यूब में लाइव चलाने से क्षेत्र के लोग अपने घरों से ही क्रिकेट खेल देखकर आनंद ले रहे हैं तथा क्षेत्र में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यूट्यूब के माध्यम से लाइव दिखाया गया, जिससे युवा वर्ग में खुशी देखा गया। वहीं कई लोग ने इसकी प्रशंसा भी की। क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन डुमरी युवा स्टार स्पोर्टिंग क्लब की ओर से डुमरी एसएसकेबी हाई स्कूल के मैदान में रखा गया है, जिसका उद्घाटन हमारे अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी के श्री प्रेमलता मुर्मू जी के हाथों के द्वारा हुआ।